सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस, आज जानेंगे कि विड्रॉल ब्लीडिंग होने के बाद जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो कब आता है, मतलब कि अगर आपको विड्रॉल ब्लीडिंग हुई है तो आपके पीरियड्स कब आएंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैंप चैलेंज, और बिना किसी डिले के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, विड्रॉल ब्लीडिंग को कई बारी ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग या फिर रिबाउंड ब्लीडिंग या फिर फेक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर हार्मोनल ब्लीडिंग के नाम से भी जाना जाता है। और जब ये ब्लीडिंग होती है तो फिर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आएगा, क्योंकि विड्रॉल ब्लीडिंग होने के बाद कई फीमेल्स को हार्मोनल इशू होता है और फिर उनका पीरियड आता नहीं है। तो इस वीडियो में यही जानेंगे कि पीरियड्स कब आते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि विड्रॉल ब्लीडिंग को कॉज करने की मेडिसिन कौन कौन सी होती है। तो बहुत सारी मेडिसिंस हैं, लेकिन सामान्यतः जब आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हो या फिर 21 दिन वाली मेडिसिन ले रहे हो, कोई हार्मोनल पिल जैसे नॉर्थिस्ट्रोन या फिर मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन लेते हो तो भी ये विड्रॉल ब्लीडिंग को कॉज करती है। अदर मेडिसिन भी हैं, एंटी मलेरियल ड्रग या फिर एंटीबायोटिक्स भी हैं या फिर नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी हैं जो कि विड्रॉल ब्लीडिंग को कॉज करती हैं, ठीक है। लेकिन सामान्यतः जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जैसे अनवांटेड 72 या फिर आई पिल अगर आपने ली है तो विड्रॉल ब्लीडिंग कॉज होती है। लेकिन हर केस में भी ऐसा नहीं है कि विड्रॉल ब्लीडिंग कॉज हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको विड्रॉल ब्लीडिंग कॉज हुई है तो फिर आपका जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल था, मतलब कि नेक्स्ट पीरियड की डेट थी, वो अराउंड 4 to 6 weeks ही होती है मैक्सिमम, जो एवरेज डेट है किसी भी फीमेल की। अगर वो अनवांटेड 72 या फिर आईपी लेती है तो जो विड्रॉल ब्लीडिंग है वो विद इन 10 days के अराउंड ही होती है, ठीक है। जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 2 to 3 दिन का ही होता है, लेकिन मैक्सिमम 5 दिन से ज़्यादा किसी को विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है। ऐसे केसेस में आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, नहीं तो फिर आपको आगे रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो सिस्टम है आपका प्रजनन तंत्र, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो जब आपको विड्रॉल ब्लीडिंग होगी तो आपका जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो 4 to 6 weeks के अराउंड ही आता है। सपोज करें कि अगर आपको विड्रॉल ब्लीडिंग 20 तारीख को हुई है किसी भी मंथ की, तो आपका जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो भी 20 तारीख को ही आएगा, ठीक है। कई बारी फीमेल्स क्या होता है कि वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को ले लेती है, सपोज करें कि पीरियड्स की डेट थी 10 तारीख किसी भी मंथ की, तो उनको ये लगता है कि 10 तारीख को ही उनको पीरियड्स आने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस दिन विड्रॉल ब्लीडिंग हुई है उसी दिन से आपने काउंट करना है अपने पीरियड की पहली डेट को। और आपका जो जो टाइम ड्यूरेशन था ना पीरियड साइकिल का, 28 दिन का या 30 दिन का, तो आपने उसी दिन से काउंट करना है, ठीक है। तो विड्रॉल ब्लीडिंग के बाद पीरियड साइकिल 4 to 6 weeks तक आते हैं, लेकिन अगर ना आए तो आपने अपने नियरेस्ट डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है। अब क्यों, देखिए 4 to 6 weeks तक नॉर्मली होता है, अगर आप उससे ज़्यादा का टाइम वेट करोगे तो आपको फोलिकुलर सिस्ट या फिर ओवरियन सिस्ट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर आपको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो हार्मोनल पिल्स का ही कोर्स लेना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि आप इतना वेट ना करें और नियरेस्ट किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, और फिर कुछ मेडिसिन हैं उनका जब आप कोर्स कर लोगे तो आपके पीरियड्स वापस आ जाएंगे। साथ ही जो हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब हुआ था उसकी भी वो मेडिसिन दे देते हैं, या फिर आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो आपका पीरियड था वो 4 to 6 weeks का आता है, और मैक्सिमम आपने 6 weeks का ही वेट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको जानकारी मिल गई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बारी अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे।